में जुर्म और तशद्दुद हो रहा है उसके खिलाफ इत्तेजाज कर रहे हैं। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि भारत जो है ये ज़ालिम बंद करे और तो कश्मीरियों को हक कुदरा दिए जिनको अपने मुस्तकबिल को फैसला करने का हक दे। और ये डिमांड पाकिस्तान से भी है कि वो भी कश्मीरियों को हक कुदरा दिए का मौका दे ताकि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। ये जुल्म और सितम से काम नहीं बनेगा, बंदूक के इस्तेमाल से काम नहीं बनेगा। इस तरह ये जो तहरीक है या जो स्ट्रगल है ये बंद नहीं होगी बल्कि इसमें आप ईंधन का काम कर रहे हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू रिस्पेक्ट अवर विशेज एंड स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल। सर, जो भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मौका पर जबकि इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रही हैं? इस हवाला से आपका आज के दिन की मुनासबत से यूं के सब लोग जो है भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं, आज आपका स्पेशल मैसेज क्या होगा उन लोगों के लिए? मैसेज ये है कि स्ट्रगल हैज़ टू कंटिन्यू, लेकिन स्ट्रगल को हमने पीसफुल रखना है। भारत अगर जुल्म करता है, जो भी काबिज़ मुल्क होता है वो जुल्म करता है, सितम करता है, लेकिन उसके डर से, उसके खौफ से, उसके तशद्दुद से घबरा कर स्ट्रगल को छोड़ा नहीं जा सकता। स्ट्रगल हैज़ टू कंटिन्यू फॉर अवर ओन सेक एंड सेक ऑफ दोज हु हैव डाइड बिफोर अस। तो हमें ये देखना है कि हमने इसको किसी भी सूरत में ना, पहली बात यह कि हमने ये कोशिश करनी है कि ये मुसलमानों का स्ट्रगल नहीं है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की स्ट्रगल है। ये मजहब की जंग नहीं है, किसी के साथ इलाक की जंग नहीं है, ये ज़ाती और ख़ुद मुख्तारी की जंग है। जब तक हम अपने जो है ना सियासी किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने आइडियोलॉजी को जो स्टैंड है उसको ठीक नहीं करेंगे, हमारी मंजिल जो है दूर होती जाएगी। हमें अपनी मंजिल को सीधे रखकर, अपने आइडियोलॉजी को स्टैंड को सामने रखकर आगे बढ़ना है। और ये क्लियर होना चाहिए कि ना हम इलाके हिंदुस्तान चाहते हैं, ना इलाके पाकिस्तान चाहते हैं। और ये जो जंग है, ये जो स्ट्रगल है, ये आज़ादी है, हम इस रियासत के सब लोगों के लिए हासिल करना चाहते हैं।